नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सभी राशन कार्ड धारकों को अनाज दे, बुलडाना में 4 संक्रमितों की मौत। मैनपुरी भोगाव विधानसभा के प्रत्याशी अनमोल शाम के द्वारा पौधारोपण। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सभी राशन कार्ड धारकों को अनाज दे। सभी राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराए, ऐसी मांग स्वाभिमानी किसान संगठन के शहर अध्यक्ष अशफाक शाह ने की है। कोरोना महामारी से परेशान कमजोर वर्ग के लोगों में जल्द से जल्द सभी राशन कार्ड धारकों को अनाज का वितरण करने की मांग एक निवेदन के माध्यम से स्वाभिमानी किसान संगठन के शहर अध्यक्ष अशफाक शाह ने की है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कई परिवारों को भूखे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से आपूर्ति विभाग में बने राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल रहा है। 12 अंकों की संख्या होते हुए भी राशन दुकानदारों का कहना है कि आपका नाम मशीन में नहीं आया है, इसलिए आपका राशन नहीं दिया जा सकता है। सरकार इस मामले पर विशेष ध्यान दे और शेष सभी राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराए, ऐसी मांग स्वाभिमानी किसान संगठन के शहर अध्यक्ष अशफाक शाह ने की है। तो वही दूसरी ओर बुलडाना में 4 संक्रमित मरीजों की मौत। 290 संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया, 180 नए पॉजिटिव। बुलडाना में शुक्रवार को प्रयोगशाला व रैपिड एंटीजन टेस्ट से प्राप्त 4,295 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट में जिले में 4 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की मौत, 4,115 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव व 180 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मरीजों में बुलडाना, चिकली, राजा, मोताला, खामगांव, मेहकर, मलकापुर, नांदुला, लोनार, जलगांव, जामोद, शेगांव, संग्रामपुर शहर व तहसीलों के निवासियों का समावेश है। अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 85,412 तक पहुंच गई है। तो वही तीसरी ओर मैनपुरी भोगाव विधानसभा के प्रत्याशी अनमोल शाक के द्वारा पौधारोपण। आज मैनपुरी भोगाव विधानसभा के प्रत्याशी द्वारा पौधारोपण किया गया। भोगाव विधानसभा के प्रत्याशी पद के प्रबल दावेदार अनमोल के द्वारा मैनपुरी नगर के शमशान घाट रोड पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 जून को ही नहीं बल्कि वर्ष के बाकी दिनों में भी पौधारोपण करते रहना चाहिए। इस दौरान उनके सहयोगी अनुराग राजपूत, संजय वर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।